इटावा में अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग परिवहन को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर घेराबंदी करके गिट्टी मोरंग के अवैध एवं ओवरलोडिंग 2 दर्जन से अधिक ट्रक को पकड़कर सीज कर दिया गया है। उप जिला अधिकारी सदर सिद्धार्थ द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी चंद्रपाल सिंह के साथ टास्क फोर्स में खनन अधिकारी ब्रज बिहारी प्रसाद आदि को साथ लेकर इटावा ग्वालियर बाईपास से लेकर सुनवारा बाईपास मार्ग पर छापामार कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चेकिंग कार्रवाई लगातार चलेगी। इस प्रकार पकड़े गए 28 ट्रक से उपरोक्त खनन एवं परिवहन विभाग द्वारा लगभग 21 लाख रुपए अथवा इससे अधिक राजस्व वसूल किए जाने का अनुमान बताया गया है। टास्क फोर्स टीम द्वारा की गई एक बड़ी छापामार कार्रवाई के दौरान थाना वरपुरा प्रभारी अंजन कुमार सिंह, चौकी उड़ी पुलिस प्रभारी संत कुमार, टीटी चौकी प्रभारी लाल सिंह, रेलवे लाइन चौकी प्रभारी जितेंद्र वशिष्ठ सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। ओवरलोड को लेकर जो बड़ी कार्रवाई चल रही है, क्या कहेंगे सर? इस बात की सूचना मिल रही थी कि ओवरलोडिंग गाड़ियां निकल रही हैं। डीएम साहब का निर्देश हुआ तो हम लोगों ने कार्रवाई की है। सेक्टर टीम है, एआरटीओ साहब है, सीओसीडी साहब है, पीडीओ साहब है, सारे हमारे थाना अध्यक्ष हैं, पूरे फोर्स है। हम लोगों ने कार्रवाई की है। अभी तक 28 गाड़ियों पर हम कार्रवाई कर चुके हैं जो ओवरलोडेड गाड़ियां थी। माइनिंग की तरफ से भी कार्रवाई हो रही है। इटावा से राम बहादुर सिंह की रिपोर्ट।